4 तारीख को चालू होने वाला था, मनपा कमिश्नर ने बोले थे वही देखना है। चालू नहीं हुआ, कभी चालू होगा अभी पता नहीं। तो 4 की जो बात चल रही थी वो पता नहीं, वो ठीक ही थी। अनिल सर ऑफिस में नहीं, 4 तारीख को जो चालू हो रहा था फिर वो तो उसके बारे में पता नहीं भाई। मैं नहीं हुआ, हम तो यही जानेंगे कि नहीं हुआ। कोई ऐसा सीनियर नहीं है बोलने के लिए? मुझे तो पता नहीं है। हाँ। हम तो 4 तारीख की तैयारी में थे, लेकिन क्या हुआ अंदर की बताते बताते। हम लोगों को अंदर जाना है भाई। हाँ? हम लोगों को अंदर जाना है, मीडिया वाले। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस समय मैं मौजूद हूँ मुमरा के बुर्ज खलीफा पर। ये बुर्ज खलीफा वही हॉस्पिटल है म्यूनसिपालिटी जो मुमरा में तकरीबन 13 वर्षों से बन रहा है। लेकिन 13 वर्षों से बन रहे इस हॉस्पिटल में 100 करोड़ रुपए की लागत अब तक खर्चा हो चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है कि 4 मार्च को जो है ये चालू होगा। लेकिन आज 5 मार्च है और अभी तक जो ये अस्पताल है ये बिल्कुल ऐसे का वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर आकर के जानकारी लेते हैं तो यहाँ के जो है अभी हमने बात करी है, सिक्योरिटी गार्ड है और एक मैम थी, उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को चालू होगा और उन्होंने भी जो है ये 8 तारीख का कंफर्मेशन नहीं दिया है क्योंकि ऐसी बातें चल रही है कि 8 को भी चालू होगा। यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन लंबे अरसों से इसका फॉलोअप हम आप तक पहुँचा रहे, लेकिन अभी तक ये ऐसे का ऐसे ही जो है पड़ा हुआ है। यहाँ पर कौन इसका जो है उद्घाटन करेगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे प्राइवेट किया जाएगा और यहाँ के विधायक का कहना है कि ये जो है म्यूनसिपालिटी ही रहेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 3 महले का अस्पताल था वो 1 महले का हो गया और इस 1 महले को बनने में भी जो है 13 साल लग गए। तो ये 13 साल लगने के बावजूद 1 फ्लोर का ही क्यों दिया जा रहा है? यहाँ पर आप मेरे पीछे साइड देखेंगे, सुकून हाइट है, ग्रेज स्क्वायर है, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो कि अभी तक स्टेबल है, खड़ी है। तो ये 3 महले का अस्पताल क्यों नहीं बन सकता? जनसंख्या की बात करें तो 13 से 14 लाख लोगों की आबादी है मुमरा शहर में, लेकिन इस 13 लाख लोगों के जो है लिए सिर्फ 1 म्यूनसिपालिटी अस्पताल है। तो इतना अन्याय मुमरा शहर के लोगों के साथ क्यों? और आने वाले मनपा चुनाव में क्या फिर से इसी चुनावी मुद्दा बनाकर जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया जाता है या इसे सचमुच चालू किया जाता है? ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।